मैंने कौन सी बात, मैं तो भगवान बुद्ध की बात किया, रामकृष्ण परमहंस की बात किया, किससे असहमत है? तो बोले कि जिनको जिनको मेरे से संदेह है वो मेरे पास आ जाए, मैं रायपुर में हूँ, आके किले के सामने बैठ जाए। गवर्नर ने भी समर्थन किया है। तो बस चमत्कार कराते ना, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। फिर कहा के मेरे पीछे घूम रहे हो, जाओ चमत्कार लो, बढ़िया है ना। भेंट मुलाकात के लिए जा रहे हैं आज बलौदाबाजार विधानसभा, भेंट मुलाकात कार्यक्रम कल धरसियों में था, बहुत शानदार रहा और आज भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन का बड़ा भ्रम फैला रहे हैं। 2014 में सरकार बनी और 18 तक के डबल इंजन की सरकार थी। 21 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात रमन सिंह ने की थी, 300 रुपया बोनस देने की बात की थी, ये कभी दे नहीं पाए 2100 रुपया। यही डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार थी कि सभी केंद्र परिवर्तित योजना है उसमें केंद्र का केंद्रांश कम होते गया, राज्यांश बढ़ते गया, ये डबल इंजन की सरकार। उसी प्रकार से आप देखेंगे इसी समय में 2017 में GST लागू किया गया। आज स्थिति ये है कि अपनी बात कह नहीं पाए और उत्पादक राज्यों को नुकसान हुआ। आज प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ को। ये डबल इंजन की सरकार है जहाँ बोल नहीं पाते। डबल इंजन की सरकार थी जहाँ चीट फंड कंपनी का पैसा 1,000 करोड़ यही लोग डुबवा दिए आम जनता का, कोई वापसी की कार्रवाई नहीं की, न देश में हो रहा है न यहाँ हुआ, हम लोग वापस कराना शुरू किए। कोयले की रॉयल्टी है बढ़ा नहीं पाए, चुप रहे, हम लोग मांग कर रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रही है, उस समय भी वो बढ़ा नहीं पाए थे। अभी अब कोयले के संकट, डबल इंजन की सरकार, कोयले के संकट पूरे देश भर में, ट्रेनें बंद, पब्लिक सुविधाएं ख़त्म, ये डबल इंजन की सरकार। और कर्नाटक के उदाहरण है डबल इंजन सरकार का, जहाँ 40% कमीशन लिया जाता है और वहाँ ED, IT, CBI नहीं जाती, ये डबल इंजन सरकार का फायदा है। तो ये स्थिति इनकी है। डबल इंजन की सरकार में GST की क्षतिपूर्ति की बहाली नहीं होना, धान से इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है उसको रोकना, ओल्ड पेंशन स्कीम ये लोग कभी लागू नहीं करेंगे, आरक्षण सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप बैठे हैं, ये लोग तो आदिवासियों को 20% दे रहे थे, है ना, SC का 13% जनसंख्या है 12% कर देते, OBC कभी 27% नहीं दिए। तो ये इनके और स्थिति क्या, पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल सब की महंगाई, रसोई गैस की कीमतें ये सब बढ़ा हुआ है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, ये कभी 2640 रुपये धान की कीमत नहीं दे पाएंगे, ये कभी कोदो कुटकी की कीमत 3,000 रुपये नहीं दे पाएंगे, ये कभी 7 किलो से अधिक चावल गरीब परिवारों को नहीं दे पाएंगे। आज 35 किलो चावल मिल रहा है, ये ऐसे डबल इंजन की सरकार है, एक्चुअल में ट्रबल इंजन। तो ट्रबल इंजन सरकार जनता देख चुकी है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है और हिंसा बढ़ रही है। ये लोग जहां आप देखेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो यहां प्रदर्शन हुआ, किस प्रकार से पुलिस वालों को पीट रहे थे। अभी धर्मांतरण के नाम से भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में रैली निकाला गया, दूसरे जिले से आए थे, किस प्रकार से पुलिस वालों को मारे, SP का सर फटा। तो ये इनके हताशा है कि अब ये हिंसा पे उतारू हो गए हैं। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल ने कहा है कि मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए, कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं
हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक के रुके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है, किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। सर, आज से बीजेपी ने संसद महोत्सव चालू किया है, उसमें वही खेल महोत्सव, यही है कि गिल्ली डंडा पिट्ठू, यही सब इसमें भी है सर। जब आप खेलते थे सर गिल्ली डंडा तो रमन सिंह मजाक उड़ाते थे, आज वही खेल बीजेपी भी चालू कर रही है। वो कभी हरेली त्योहार नहीं मनाए, तीजा कभी मनाए नहीं, उन सबको बधाई दे रहे हैं, सबको देखे ना ट्वीट में कैसे उनका हुआ। आदिवासी पगड़ी कभी गमछा बांधे नहीं थे, अब मजबूरी में बांधना पड़ रहा है। अब देखें, अब गिल्ली मोहरा डंडा ये कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जाग नदी में उलान बाटी ना खेले। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से तेल के जो दाम है वो घटाने के लिए अपील की और ये कहा है राज्य वैट नहीं घटा रहे इसलिए कीमत नहीं कम हुई है। हमने नवंबर 21 और 22 में दाम घटाए थे लेकिन फिर भी राज्य में एक चीज़ बताइए, ये चुनाव समय आते हैं तब इस प्रकार की बात करते हैं। सेंट्रल एक्साइज कम कर देना, सेस खत्म कर दे, सेस का पैसा तो हमको मिलता नहीं। जो अभी सेंट्रल एक्साइज घटा के सेस लगाया और शेष का पूरा पैसा सेंट्रल पूल में जाता है, राज्यों को कुछ एक फुटी कौड़ी नहीं मिलती उससे, तो शेष खत्म करें, है ना, सेंट्रल एक्साइज खत्म करें, वो अपने आप का खत्म हो जाएगा। जितना बढ़ाते हैं उतना परसेंट फिर वेट का हिस्सा भी बढ़ जाता है। आप तो निर्णायक हैं, निर्णय की स्थिति में पूरे देश में अब हर राज्य बढ़ाया घटाया, हम तो ये देखेंगे भाई पड़ोसी राज्य में कितना है, इधर कितना है, उसके हिसाब से हम लोग मैच करते हैं। यदि हम ज़्यादा बढ़ा दें तो सब गाड़ी भराने दूसरे प्रदेश में चल देंगे, हम घटा देंगे तो दूसरे राज्यों का फायदा, हमको नुकसान होगा। तो ये परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दे और सेस तो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों लगाएं सेस, उसको ख़त्म करें, 4-4% तक सेस लगा के रखें, राज्य कुछ मिलता नहीं। सर, नेता प्रतिपक्ष राज चंद्र की बेटी के रेप वाले मामले पर रमन सिंह ने कहा है कि व्यक्तिगत मामले पर पूरी पार्टी को नहीं लपेटा जा रहा। बिल्कुल ठीक कहते हैं, रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना, आज क्यों अपने बयान से पर लट रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है, है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है, रमन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम, वो तो कर नहीं रहे, गिरफ्तारी की मांग तो कर नहीं रहे, ऐसा तो नहीं कि छुपाने में लगे हुए। बिल्कुल ठीक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, किस आदिवासियों के हित में कोई फैसला किए नहीं, बल्कि आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, हो कानून तक बना रहे थे, हमने उसको पलटा और लगातार आदिवासी जमीन छीनी जा रही थी और बड़े कारपोरेट हाउस को दिया जा रहा था। पेशा नियम ये लागू नहीं किए, फॉरेस्ट राइट के तो पट्टा मिलना था, सामुदायिक पट्टा तो एक भी नहीं दिए थे। तो आदिवासियों के खिलाफ में लगातार फैसला करते रहे, अब उसके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। नक्सली, हमारी नीति के कारण से नक्सली पीछे चले गए हैं, अब वो वहाँ हिंसा फैलाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, आम आदमी पार्टी के प्रभारी कह रहे हैं संजीव राजी गोबर बेचकर करोड़पति से मिलना चाह रहे हैं,
खोजने क्या बात है, लिस्ट निकाल के देख लें और जिसके पास जो बेचे हैं लाखों रुपया पाए हैं उनसे मिल लीजिए। कितने लोग हैं जिससे लाभान्वित हुए हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रोज खड़े होकर बता रहे हैं कि हमको इतना गोबर से इतना पैसा मिला, उसको खोजने की क्या जरूरत है। दिल्ली में तो इस प्रकार से है नहीं, अब दिल्ली से जो सीख के आए हैं उतना ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।